दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो पासवर्ड है, मतलब दोस्तों PASSWORD पासवर्ड, ये जो वर्ड है दोस्तों 50% लोग ये पासवर्ड रखते हैं अपने वाईफाई का या ईमेल आईडी का या फिर कहीं कभी इस तरह कोई रिपोर्ट निकल के आ रही है। और 10 ऐसे पासवर्ड है दोस्तों जो बहुत लोग रखते हैं, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि 10 मिलियन लोग इस तरह का पासवर्ड रखते हैं, वो भी इंडिया का सर्वे निकल के आ रहा है। और दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है दोस्तों दो नंबर पे आता है, पहला पासवर्ड आता है, दूसरा में ये आता है, जब बेइज्जती है। तो इस तरह की कुछ अपडेट है। आप दोस्तों कौन सा पासवर्ड रखते हैं कमेंट में मत बताइए, लगा मेरा मजाक लगा वरना कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग में काफी जबरदस्त, और आज का वीडियो को तो दोस्तों देखना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके पास तो दोस्तों फिक्स कैसे करना है जाके दे बताया है, जाके देख लीजिए। आप बात करते हैं पोल की, तो हमने आपसे पूछा था कि आप हमारा वीडियो जो है कहां से देखते हैं। अबे साले, तो दोस्तों 84% मतलब 84% लोगों ने कहा कि भैया इंडिया से देखते हैं, बाकी के 16% लोग जो है दोस्तों आउट ऑफ इंडिया से देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, मतलब 16% लोग में कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, ज्यादातर लोग जो नेपाल से देखते हैं। तो दोस्तों आई लव इंडिया एंड ऑल्सो नेपाल। आपको क्या लगता है दोस्तों आप वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में पोल वाला फीचर आ चुका है, जाइए देखिए करिए और बताइए आपने क्या पूछा लोगों से। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्राई की। ट्राई का एक रिपोर्ट आया जिसके मुताबिक दोस्तों जो लास्ट मंथ गुजरा है उसका जियो का स्पीड जो है सबसे ज्यादा निकल के आया है 22.6 MB/s डाउनलोड में, और अपलोड में दोस्तों 6.7 MB/s। वहीं एयरटेल के बारे में बात किया जाए तो एयरटेल का दोस्तों 15 MB है डाउनलोड, और अपलोड जो है दोस्तों 4 MB दिखाया जा रहा है। इस तरह कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपके पास कौन सा है दोस्तों ब्रॉडबैंड में, मतलब नेट किसका है कमेंट में सर। क्वालकॉम की। क्वालकॉम दोस्तों एक जबरदस्त चिप बनाने वाला है जो दोस्तों वॉच AR मतलब हैंडसेट वगैरह जो होता है उसमें, नेक बैंड वगैरह जो होता है उसमें, और दोस्तों TWS वगैरह या फिर दोस्तों सन ग्लासेस उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसको लिए एक चिप बनाने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फ्यूचर प्रूफ होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों आने के बाद क्या प्राइस बढ़ेगा स्मार्ट वॉच वगैरह का कमेंट में सर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब एप्पल की। एप्पल दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि बैंगलोर में सबसे बड़ा एप्पल का दोस्तों बनने वाला है, मतलब मैन्युफैक्चर प्लांट जिसमें दोस्तों 60,000 कर्मचारी एक बार में काम करेंगे। काफी बड़ा दोस्तों, मतलब सबसे बड़ा ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर हो जाएगा इंडिया में इसका दोस्तों मैन्युफैक्चर सेंटर। इस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों आईफोन 15 और 15 प्रो में यूएसबी टाइप सी देखा जाएगा, जो दोस्तों मिंग चिंग पू हैं इनके, उन्होंने दोस्तों ट्वीट किया और बताया है। आपको क्या लगता है सही है, टेंशन खत्म दोस्तों चार्जिंग मतलब खरीदने का इनका अडेप्टर कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो बादशाह विश्वास भाई का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि इनका सवाल है कि ये धूप में मोबाइल लेके जाते हैं अपना रेडमी नोट 10 प्रो तो जल उठता है, मतलब ब्राइटनेस जो है बढ़ जाता है, क्यों? देखिए भैया प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है, इस वजह से होता है। तो ऑटो ब्राइटनेस को बंद कर दीजिए, दो जगह मिलेगा आपको, या फिर आप डिस्प्ले में जाइए, सेटिंग में जाके डिस्प्ले में जाइए, वहाँ ऑटो ब्राइटनेस मिलेगा, या फिर ऊपर से टॉगल नीचे करिए, वहाँ पर ए लिखा होगा कोई भी बटन में उसमें क्लिक कर दीजिए, ए बंद होगा तो आपका ए होना बंद हो जाएगा। इस तरह का कुछ है, जाइए करिए और बताइए हुआ या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब रियलमी की। सबसे पहले रियलमी के नंबर में दोस्तों 30 मिलियन सब्सक्राइबर इंडिया में गेन कर लिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों रियलमी का आने वाले टाइम में ये क्या करेगा पता नहीं, लेकिन दोस्तों रियलमी का प्रो सीरीज 10 प्रो सीरीज आज चाइना में लॉन्च हो चुका है, जिसमें से दोस्तों रियलमी 10 प्रो और प्रो प्लस लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रो की, तो ये मिलता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर, IPS LCD डिस्प्ले 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज के साथ, 108+2 MP का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। बात करते हैं प्रो प्लस की, इसमें दोस्तों जबरदस्त डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.7 इंच का कर्व डिस्प्ले, 10 bit वही दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट वगैरह भी दिया गया है, सेंटर पंच होल पतला सचिन, और दोस्तों इसमें जो कैमरा वगैरह है काफ़ी ज़बरदस्त है, 108+8+2 16, 5000 mAh की बैटरी और दोस्तों 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। और ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि इन दोनों की जो प्राइस आई है, प्रो का जो प्राइस है दोस्तों देखा जा रहा है 18,000 रुपये और प्रो प्लस का जो प्राइस देखा जा रहा है 21,000 रुपये। इंडिया में दोस्तों इसकी प्राइस 3,000 रुपये और महंगा हो सकता है, तो यहाँ पर 24,999 जोड़ लीजिए प्रो का, प्रो प्लस का, और प्रो का जोड़ लीजिए भैया 20,000 तक का,
19,999, तो इस तरह के साथ आएगा। वही दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो 10 सीरीज है इंडिया के दोस्तों वेबसाइट में टीस कर दिया गया है, मतलब बहुत ही जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक ये आ जाएगा। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं वन प्लस की। वन प्लस का बट 2 प्रो इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो ये रहा, और इनका दोस्तों टीवी जो दोस्तों S1 प्रो आई थिंक बोला जा रहा है, इसका प्राइस जो आया है 40,000 रुपए, 43 इंच का है दोस्तों, 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, काफी जबरदस्त है। अगर लेना चाहते हैं तो जाइए देखिए, काफी जबरदस्त ऑफर है, 43 इंच का टीवी 40,000 में। आपकी जो भी राय है आप खरीदना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। चले दोस्तों बात करते हैं वीवो का X90। इसका दोस्तों चार्जिंग कैपेसिटी बाहर आ गया है, 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, और इसमें दोस्तों जो कैमरा सेंसर है वही दोस्तों 759 या 758 आई थिंक दोस्तों इस तरह का कुछ है जो आने वाला है। आपको क्या लगता है ये X90 सीरीज किस तरह का होगा और इंडिया में इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं IQOO 11 सीरीज की। इंडिया के BIS में लिस्ट हो गया 8th generation 2 के साथ, इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटरोला का H40। 3C सर्टिफिकेशन और FCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, 125 वाट फास्ट चार्जिंग इसमें दिख रहा है 8 जनरेशन 2 प्रोसेसर के साथ। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो का रेनो 9 प्रो प्लस या दोस्तों ओप्पो रेनो 9। ये जो है दोस्तों 8+ Gen 1 के साथ आएगा, इसमें दोस्तों 10-bit कलर डिस्प्ले 6.7 इंच का दिख रहा है जो दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट 120Hz के साथ आएगा, लेकिन 50:2 का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी, और यहां पर दोस्तों 47mAh की बैटरी, 80W का फास्ट चार्जिंग, और इसकी फर्स्ट लुक देखा जा रहा है जो डिजाइन कुछ इस तरह का है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi 13 और 13 Pro जो है दोस्तों सिंगापुर के वेबसाइट में लिस्ट हो गया है, मतलब ये फोन दोस्तों कंफर्म है कि दिसंबर तक दोस्तों लॉन्च हो जाएगा चाइना में, उसके बाद इंडिया में। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। एक सुनाते हैं दोस्तों आपको दिल्ली का, कि एक औरत थी उनका दोस्तों एयरपोर्ट 15,000 वाला जो होता है वो लेके गई थी दोस्तों, फोन पे से पैसा को ट्रांसफर करी, मतलब दोस्तों ऑटो वाला को दी, उसके बाद वो जो एयरपोर्ट है छोड़ के चल गई। ऑटो वाला क्या किया, वो एयरपोर्ट को लिया, देखा 15,000 का है, तो उन्होंने क्या किया कि जो फोन पे से उन्होंने किया था ट्रांसफर, वहां से नंबर निकाला, कॉल किया और महिला को दे दिया। मतलब दोस्तों इंसानियत अभी भी जिंदा है, तो दिल्ली में है तो ये मत सोचिएगा कि लोग सब चमन बनाते हैं। कुछ मजा आया, अच्छे लोग भी है जैसे ये भाई का मिसाल है। लेकिन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ये भाई के लिए भी दोस्तों लाइक करिए, और दोस्तों कमेंट करिए आपको ये टेक न्यूज कैसा लगता है, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मॉर्निंग वाला वीडियो को जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।